बच्चों हमने लास्ट वीडियो में एचसीएफ के बारे में जाना है, एचसीएफ या जीसीडी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देखिए उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो हमारा काम क्या है, इन तीनों टर्म को पहले फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी सी। सेकेंड टर्म क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी। और थर्ड टर्म क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, करीब करीब तीनों ही टर्म्स सिमिलर प्रोसीड्यूर के जरिए फैक्टराइज होंगे। यहाँ पे देखिए 2bc है, इसका मतलब इसको b स्क्वायर और c स्क्वायर चाहिए, और हमारे पास b स्क्वायर भी है c स्क्वायर भी है, फर्क सिर्फ साइन में है, साइन सिर्फ इधर उधर है। अब साइन को ठिकाने लगाना है, इस a स्क्वायर को हम वैसे रहने देंगे, यहां से देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता है, बी स्क्वायर प्लस हो जाता है और सी स्क्वायर भी प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस टू बी सी हो गया, ये स्क्वायर कॉपी हो गया, ये ए स्क्वायर कॉपी हो गया और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, जूनियर क्लास में आपने कुछ आइडेंटिटी पढ़े, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे a की जगह में b है और b की जगह में c है, तो दैट मीन्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टू बी सी। तो हम इसकी जगह में लिख सकते हैं b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए a स्क्वायर और b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर से आपको कुछ याद आ रहा होगा जूनियर क्लास का आइडेंटिटी, क्या है वो जूनियर क्लास का आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर x की जगह में a है और y की जगह में b माइनस सी है, तो क्या करेंगे हम, ये हो गया आपका x, उसके बाद एक बार प्लस में लिखते हैं इन दोनों को, फिर माइनस में लिखते हैं, हो गया फॉर्मूला में हमने फिट कर लिया। अब हमारा काम क्या है, ब्रैकेट खोलना, सिंप्लीफाई करना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस है तो ये बिल्कुल कॉपी हो जाएगा, लेकिन ये कॉपी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ए माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस। ये रहा फर्स्ट टर्म। अब आते हैं सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को क्या करेंगे, सेकंड टर्म को देखिए ये ए है और ये सी है, इसका मतलब इसको चाहिए ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर और बिल्कुल वहां पे प्रेजेंट है, तो सेकंड टर्म को भी बिल्कुल फर्स्ट टर्म के जैसे ही आगे बढ़िए। क्या करना है, बी स्क्वायर को कॉपी करना है, माइनस कॉमन लेना है, तो क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी। फिर क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर कॉपी हो गया और इसकी जगह में हम लिख देंगे सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। फिर एक बार आपको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, फिर ब्रैकेट खोलकर से सिंप्लीफाई करना है, बी प्लस सी माइनस ए और ये हो गया बी माइनस सी प्लस ए, प्लस ए क्यों हुआ, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, सेकेंड टर्म भी फैक्टराइज हो गया। अब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में देखिए क्या है, ए बी, तो इसे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। यहां पर भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था आपको, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि तीनों ही टर्म को फैक्टराइज करने का प्रोसीड्यूर बिल्कुल ही सिमिलर है। यहां सी स्क्वायर कॉपी कर देंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, उसके बाद फिर से आइडेंटिटी में सब फिट कीजिए,
तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी डालेंगे। एक बार प्लस में लिखना है, फिर एक बार माइनस में, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए तीनों टर्म फैक्टराइज हो चुका है। अब हमारा काम क्या है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों टर्म में जो कॉमन होता है हम वही निकालते हैं। तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म ये है, आप चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म में ए और बी पॉजिटिव है, सी निगेटिव है। चेक कीजिए दोनों टर्म में ऐसा कोई भी टर्म है जिसमें ए और बी पॉजिटिव और सी निगेटिव है। ठीक है, सी निगेटिव है, तो यहाँ पे सी निगेटिव नहीं है, यहाँ पे सी निगेटिव है। यस, देखिए बी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव और सी निगेटिव है ना। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी निगेटिव। तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में भी चेक कीजिए, तो यानी कि ये वाला टर्म कॉमन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि सी तो निगेटिव है लेकिन ए भी पॉजिटिव नहीं है, इसमें सी निगेटिव नहीं है, तो कॉमन नहीं, छोड़ दीजिए। टेस्ट वाला देखिए, ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है। देखिए ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, ढूंढिए, बी निगेटिव है। सेकेंड टर्म में भी नहीं है, है ना। यहाँ देखिए ए पॉजिटिव है, यहाँ ए पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है लेकिन सी निगेटिव हो गया है, यहाँ देखिए। और जब सेकेंड टर्म में नहीं है तो थर्ड टर्म में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इन तीनों टर्म में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। और जब कॉमन टर्म नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वन। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसका आंसर कितना सिंपल आया है, वन आया, सिर्फ और सिर्फ वन। तो आपको अजीब लग रहा होगा कि मैंने आपसे कहा ही क्यों कि ये कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली ये देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म अगर आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है तो सेकंड और थर्ड तो खुद ब खुद ही निकल जाता है। और जब तीनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो फिर उसका एचसीएफ हमेशा ही वन होता है।